Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about all the updates on the automobile sector. Okay. So autos में I'll do two parts. एक हो गया automobiles, मतलब जो सारे OEMs है in two wheeler space, three wheelers, four wheelers and commercial vehicles and tractors. I'll talk about the entire space in this workshop and of course you must have seen the list of the companies that I've already mentioned. जिसके बारे में हम बात करेंगे, उनके results क्या हुआ and उनके management ने कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताया and of course what are the insights that we can draw from it. And एक और workshop मैं करूंगा जिसके ऊपर I'll talk about all the auto ancillary businesses. Now I'll take of course like there are so many ancillary businesses, but to me the most promising जो ancillary businesses होगा वो सारे को लेके I'll make another workshop. ठीक है, जो इसी हफ्ते को मैं निकाल लूंगा. Okay, तो चलिए, तो इस workshop में let's talk about the automobile sector. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि like before I like dig deep into this space, आज पहले जान लेते हैं कि कौन सा स्पेस अच्छा कर रहा है, कौन सा स्पेस अच्छा नहीं कर रहा है. सो अगर आपको कोई पूछे कि लाइक कौन सा स्पेस सबसे बुरा है आज, तो आप बोलना कि वो ट्रैक्टर का स्पेस है. क्योंकि ट्रैक्टर का स्पेस अगर आप देखोगे, कोविड के बाद जो हाई बेस बना था उनका, उसके ऊपर इस साल में उनको कोई ग्रोथ ही नहीं मिला. सो अगर आप एस्कॉर्ट्स का नंबर देखोगे या कोई भी दूसरे कोई ट्रैक्टर का कोई अगर बिजनेस है, आप देखोगे कि लास्ट ईयर टू दिस ईयर उनका नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड का वॉल्यूम डिड नॉट गो अप. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि पूरे ट्रैक्टर का जो स्पेस है, द एंटायर इंडस्ट्री डिग्रीव ऑन अ वाईओवाई बेसिस. ठीक है, सो ट्रैक्टर का और कोई बात है नहीं, बिकॉज आज अगर आप कोई भी ट्रैक्टर कंपनी देख रहे हो या कोई भी ऑटो कंपनी, आई वुड वॉन्ट टू लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट, वॉल्यूम्स इन विच यूर ग्रोइंग, योर मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विपमेंट आप बेच रहे हो वर्सेस कितने आपने पास में बेचा, तो ये बन जाता है. दूसरा चीज जो स्पेस है वो है कि आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल का स्पेस. कमर्शियल व्हीकल का स्पेस भी कोविड के बाद एक बहुत बड़ा बूम आया, बिकॉज इकोनॉमी केम बैक. अब जितने जल्दी से इकोनॉमी केम बैक, उतना ही तो आपको देख रहे हो कि स्टील, सीमेंट, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल गए थे. और जितना आपका प्लांट्स खोलते हो, तो उसमें सामान को कैरी करने के लिए आपको चाहिए आपका ट्रक, राइट, विच इज कमर्शियल व्हीकल. अब आप देखिए कमर्शियल व्हीकल में भी देर इज लास्ट मिनट कमर्शियल व्हीकल, जिसको बोलते हैं LCVs, और एक होता है MNHCV, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, राइट, जो ये बड़े-बड़े जो ये ट्रक्स वगैरह होते हैं. तो ये वाले स्पेस में भी पिछले साल से इस साल में उतना ग्रोथ नहीं आया है. ठीक है, बिकॉज उतने हाई बेस में ये ग्रो नहीं कर पा रहे. सो दैट इज वाई अगर आप अशोक लेलैंड का भी नंबर्स देख लोगे, वो प्रेटी टेपिड, एक सेल्स का ग्रोथ का नंबर या उनका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर प्रेटी टेपिड है. आप अगर देखोगे इवन सीवी फाइनेंसिंग कंपनीज, लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ये जो चोला फाइनेंस है, जिनका सीवी का एक बड़ा एक बुक है, उन्होंने भी यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट दैट द पेस ऑफ ग्रोथ टू स्लो डाउन. ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक यू नो एकदम ग्रोथ चला जाएगा, बट जो पेस से ट्रक का स्पेस ग्रो कर रहा था, ये कमर्शियल व्हीकल स्पेस, वो उतने रेट से आगे जाके और ग्रो नहीं करेगा, अभी स्टेबलाइज हो जाएगा, है ही ना. बिकॉज कोविड के बाद आपका जो 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 बूम मिला, अब तो 2023 के बाद से सब तो उस बेस पे कंपेयर करेगा ना, राइट. सो ऑन अ हाई बेस इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो. सो आज अगर आप देखोगे कोई भी ट्रैक्टर कंपनी या कमर्शियल व्हीकल कंपनी का स्टॉक से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्टॉक से दूर रहूंगा, ये रहूंगा, लेकिन ऐसे कंपनीज में आप देखोगे उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है. अब हम थोड़ा बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल के तरफ में. तो अगर आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल भी हमारा जो इंडियन मार्केट है, दे आर डूइंग बेटर देन द पैसेंजर व्हीकल स्पेस इन यूरोप और US. बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, हमारे पैसेंजर व्हीकल स्पेस भी ग्रो कर रहा है सिंगल डिजिट से. आई थिंक द स्पेस ग्रू 7-8% ऑन अ YOY बेसिस इंडस्ट्री लेवल पे. एंड ऑफकोर्स अगर इंडस्ट्री 8% से ग्रो करता है, तो उसका जो मार्केट लीडर है मारुति हैज 45% के आसपास मार्केट शेयर. मारुति उसी रेट से ग्रो किया है ना, व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम्स ऑफ कार सोल्ड. तो मारुति का Q3 ओवर पिछले Q3 में वॉल्यूम्स ऑफ कार सोल्ड इन वन क्वार्टर हैज गॉन अप बाय 8% एट पार विद द इंडस्ट्री. दूसरे साइड में अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देखोगे, तो उनका भी वॉल्यूम्स एट पार विद इंडस्ट्री है. 8-12% के बीच में उनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा है. अब यहाँ पे मेन खेल क्या है, कोई भी अगर मैं पैसेंजर व्हीकल कंपनी का बात करूं, वहां पे मेन है कि अभी SUV का खेल चल रहा है. सो एवरी वन आउट ऑफ टू व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट टूडे इज अ SUV. सो कोई भी कंपनी का अगर आप देखोगे ना, एंट्री लेवल कार में प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन SUV सेगमेंट बहुत अच्छे किए जा रहे हैं. ठीक है, सो बिकॉज SUV में क्या है, आज देख रहे हो कि जो यंग पॉपुलेशन है, जिनको नया नया जॉब्स मिल रहा है 20s, 30s and 40s के, दे डोंट वांट टू बाय एन ऑल्टो. व्हाट दे वांट टू बाय इज दे वांट टू बाय अ SUV और अ सेडन क्लास कार, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, मतलब
और इसीलिए आप देखोगे हर कंपनी का ट्रेंड ही ऐसा है कि सब एसयूवी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो। नाउ स्पीकिंग ऑफ टाटा मोटर्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द एंटायर ऑटो स्पेस इन इंडिया। ठीक है, उनका रेवेन्यू अगर देखोगे 25% से ग्रो किया ऑन अ वाईओवाई बेसिस, बट देयर इज अ कैच इन टाटा मोटर्स हियर। आई गेस सब सबको तो पता ही है कि उनका एक जैगुआर लैंड रोवर का पोर्टफोलियो है जो कि वो गाड़ी बेचता है ज्यादा चाइना में देन इन इंडिया। ठीक है, अब ये बात सोचिए, टाटा मोटर्स अगर ₹100 का अगर उनका सेल्स है तो ₹70 उनका आता है JLR सेल्स से। JLR मतलब जगुआर लैंड रोवर यूरोप में चाइना में बेच के। ठीक है, सो आप सोचिए, टाटा मोटर्स इज नॉट अ प्योर प्ले इंडिया गेम, राइट? क्योंकि आप अगर टाटा मोटर्स से जगुआर लैंड रोवर को हटा दोगे तो उनका जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का स्पेस का जो ग्रोथ है दैट इज एट पार विद द पेस एट विच मारुति एंड महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड आर ग्रोइंग। ठीक है, सो अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उनका कमर्शियल व्हीकल में कोई ग्रोथ नहीं आया। पैसेंजर व्हीकल का सेल्स तो टाटा मोटर्स का इंडिया का बात कर, डोमेस्टिक का बात कर रहा हूं, वो भी मोटा मोटी फ्लैट ही है ऑन अ वाईओवाई एज वेल एज क्यूओक्यू बेसिस। और ईवी का बात हम क्या ही करें, बिकॉज उनका अगर आप देखोगे ये ईवी पंच और हैरियर और जो भी गाड़ियां आ रहे हैं दैट इज सच अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो, सो वी डोंट नो कि हु इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ईवी गेम इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज आज अगर आप ईवी का पेनिट्रेशन देखोगे दैट्स मोर इन टू द टायर टू सॉरी दैट्स मोर इन टू द टू व्हीलर एंड द थ्री व्हीलर स्पेस। ठीक है, आज लोग अभी भी जब गाड़ी खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सोच रहे कि भाई पेट्रोल ही ले लूं, बिकॉज गाड़ी लेके आप बहुत दूर जाते हो ना, उस टाइम पे आपका थोड़ा टेंशन होता है कि लाइक क्या मैं ईवी कार ले लूं। बिकॉज आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बाइंग दिस पेट्रोल एंड डीजल कार्स एंड दे टोल्ड मी द सेम थिंग के बट व्हेन यू आर बाइंग अ लेट्स से अ स्कूटी, आप ईवी स्कूटी ले सकते हो, बिकॉज स्कूटी लेके आप शहर के बीच ही लेट्स से आप कॉलेज से घर और घर से कॉलेज करोगे तब यू कैन ट्रस्ट यू नो कि ठीक है चलो बैटरी में चार्ज दिलाया और मैं अपना कॉलेज चल लेती हूँ। सो पॉइंट यहां पे आता है कि टाटा मोटर्स का अभी आप देखोगे 25% का जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय इमेंस ग्रोथ इन द जगुआर लैंड रोवर स्पेस। तो जगुआर लैंड रोवर ऑफ कोर्स लग्जरी कार सेगमेंट में आता है एंड दैट सेगमेंट ग्रू 31% ऑन वाईओवाई बेसिस, राइट? मतलब क्या, 70% ऑफ द पोर्टफोलियो उनका है जगुआर लैंड रोवर और जगुआर लैंड रोवर का ही पोर्टफोलियो ग्रू 31%। ठीक है, और इनका अगर आप देखोगे वाईओवाई लेवल पे 31, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आई थिंक दे ग्रू 20% के आसपास। ठीक है, सो इसका क्या मतलब, अगर JLR अच्छा करेगा तो टाटा मोटर्स अच्छा करेगा, यही है टाटा मोटर्स का बिजनेस एनालिसिस। अगर JLR बुरा करेगा, JLR का ग्रोथ चला जाएगा तो टाटा मोटर्स का भी ग्रोथ चला जाएगा, सिंपल। सिंस JLR डिड सो वेल दैट इज व्हाई टाटा मोटर्स कुड आउट, देख के लगता है दे आर आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री इन इंडिया, बट टाटा मोटर्स का जो इंडिया वाला जो सेगमेंट है वो उसी पेस से ग्रो कर रहा है जो कि आज मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर अगर कोई भी और ऑटो कंपनी हो, हुंडई हो एंड ऑल दैट इन इंडिया, उस स्पेस से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बट इट इज द JLR पोर्टफोलियो दैट लाइक लिटरली सेट टाटा मोटर्स अपार्ट। आपने स्टॉक का भी देखा होगा कि राइट क्या, और टाटा मोटर्स हैव बीन लाइक फ्रॉम अ लॉस टू प्रॉफिट का एक जर्नी में भी था और उसके बाद जब JLR का सेल्स हुआ तो ऑफकोर्स दे हैव मेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी फॉर दे हैव मेड मोर मनी फॉर शेयर होल्डर्स देन द लाइक्स ऑफ M&M एंड मारुति। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बनता है पैसेंजर व्हीकल का स्पेस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस में, तो टू व्हीलर स्पेस के बारे में हम बात करेंगे तो पहले एक डेटा बताते हैं कि वाईओवाई दी एंटायर स्पेस ग्रू 20%। तो आपको लगेगा यार इंडिया में तो हर किसी के पास टू व्हीलर्स है, फिर भी मतलब कंट्री का 20% का ग्रोथ कर रहे हैं ये टू व्हीलर, राइट? लेकिन इसमें एक कैवियट है, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए टू व्हीलर स्पेस कोविड के टाइम से मतलब पिछले 4-5 साल में अगर आप ऑटो सेक्टर का भी पूरा सेग्रीगेट करोगे टू व्हीलर स्ट्रगल्ड द मोस्ट। ठीक है, मतलब 2018-19 में हमारे देश में जितने टू व्हीलर्स बेचे गए थे आई थिंक आज भी वो नंबर इज हायर देन व्हाट वी आर सेलिंग टुडे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि दे आर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी वेरी लो बेस। ठीक है, तो पहले आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी जैसे मैंने बोला कि कोविड के बाद पैसेंजर व्हीकल, एसयूवी, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर सब वापस आया है। ठीक है, लेकिन टू व्हीलर व्हीकल का सबसे मतलब द इनिशियल साइंस ऑफ वापसी हमें देखने को मिला ये पिछले 2-4 महीने में। ठीक है, इवन ये जो लास्ट मंथ का जो ये डेटा भी आया मतलब ये जो मंथली सेल्स डेटा भी आया फेब्रुवरी का जो डेटा जो मार्च में आता है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि टू व्हीलर जो कंपनीज है हीरो बजाज और TVS स्पेशली हीरो एंड TVS जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इन दोनों में क्योंकि ये दोनों ने सबसे हाई पेस से ग्रो किया। ठीक है, ऑन अ मंथ ऑन मंथ लेवल। ठीक है, तो ये बनती है बात। अब दूसरी पॉइंट है के लिए क्या ये सस्टेनेबल है, आंसर इज नो, इट कैनॉट बी सस्टेन बिकॉज हमारे कंट्री में अगर टू व्हीलर्स 20-25% से इंडस्ट्री ग्रो करता रहा तब तो हमारा GDP का ग्रोथ 40% होनी चाहिए। तो पॉइंट यही पे है, आप कोई भी
the ancillary companies से जब सुनोगे, when I rate the con calls of the other ancillary companies or some other companies जो let's say for example as two wheelers को अपना माल बेचते हैं, कोई raw material देते हैं, कोई अपना parts बेचते हैं, तो उन्होंने यही बोला कि लाइक देखो आगे जाके हमको टू व्हीलर्स में 7-10% का ही ग्रोथ दिखता है, ये जो आपको 20-25% का जो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ दिखा है ये मिला ही है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। ठीक है, इस बार का फेस्टिव सीजन वॉज वेरी गुड कम्पेयर टू द लास्ट फेस्टिव सीजन, और फेस्टिव सीजन में लोग क्या करते हैं और ज्यादा ये गाड़ी बाइक खरीदने लगते हैं, तो वो भी इफेक्टेड हुआ। एंड देयर इज अनदर पॉइंट हियर, दिस टाइम इन Q3 जो क्वार्टर चला गया अक्टूबर टू दिसंबर, यू वुड सी के लाइक इसमें सारे फेस्टिव डेट्स एक साथ था उस क्वार्टर में, जबकि द पिछले साल में द फेस्टिव डेट्स वर स्कैटर्ड बिटवीन Q2 एंड Q3। सो इस बार का Q3 इज ऑफकोर्स विल बी बेटर देन पिछले बार का Q3 एंड द इंडस्ट्री व्यू। इवन आई वॉज ऑल्सो लिटिल सरप्राइज के लिए 20% से कैसे ग्रो कर लिया। ठीक है, बट ये 20% इज नॉट स्ट्रक्चरल एज यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दीज आर लो, दीज आर ऑल वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, राइट? आई मीन ऐसा नहीं कि कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, बहुत छोटा मार्केट कैप है या छोटा सी जगह से चालू हो गया। अगर ये 1990s में होता, ठीक है, जब हीरो नया नया आया था, तब मैं बोल सकता था कि हाँ भाई टू व्हीलर्स का 20-25% चलेगा बिकॉज लोगों ने तो बाइक्स देखा ही नहीं लाइफ में, अब तो सब बाइक्स यूज करेंगे, सारे स्टेट्स का लोग यूज करेंगे एंड ऑल दैट, बट सारे फैला हुआ चीज है ये सब, कहाँ जाएगा। बट एनी विच वे, अगर हमें इनके पेस में भी देखना है तो थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखोगे हीरो मोटर कॉर्प दैट ग्रू एट पार विद द इंडस्ट्री, हमेशा यही होता है बिकॉज हीरो मारुति की तरह है इन द टू व्हीलर स्पेस। ठीक है, तो हीरो भी 20% से अपना सेल्स को ग्रो किया। जो सबसे अच्छा बिजनेस है, लेट्स टॉक अबाउट सबसे अच्छा ना सबसे बुरा बिजनेस। ठीक है, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है कि TVS मोटर्स। ठीक है, और सिर्फ अभी का नहीं, जब टू व्हीलर का स्पेस पिछले 4-5 साल से अफेक्ट हो रहा था, TVS वॉज ऑलवेज द कंपनी दैट ग्रू सेल्स एट अ फास्टर पेस देन द इंडस्ट्री। एंड सेकेंड इज TVS का अगर आप देखोगे उनका EBITDA मार्जिन भी डबल हो गया है इन द लास्ट 3-4 years। सो उनका आई गेस EBITDA मार्जिन 5% था और मैनेजमेंट ने उसको डबल किया। ठीक है, सो आपका अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है और आपका टॉप लाइन भी ग्रो करता है एट अ फास्टर पेस देन द इंडस्ट्री का ग्रोथ, दैट मीन्स क्या है, वो शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स लाइक यू गेट अ सेल्स ग्रोथ एंड एन ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉम्बिनेशन विच इज अमेजिंग फॉर शेयर होल्डर रिटर्न्स, राइट? आप इस एंगल से देखिए। सो TVS जो सबसे अच्छा कंपनी था कोविड के बाद से, जो सबसे मतलब अच्छे से काम कर रहा है, एक और पॉइंट के लिए TVS ने वो जो स्कूटी और मोपेड के डिवीजन में ये लोग का मार्केट लीडरशिप मिल गया। आई थिंक दिस इज द प्लेस वेर हीरो मोटर कॉर्प लॉस्ट आउट, क्योंकि जब तक हीरो अभी तक आया तब तक TVS का एंटॉर्क पेंटॉर्क सब आ गया था, सब वो चला रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो सेगमेंट सबसे बुरा था मतलब इन द लास्ट 2-3 years वॉज द बाइक वाला सेगमेंट। ठीक है, आप देखोगे टू व्हीलर में भी बाइक ज्यादा स्ट्रगल किया था, और जो अच्छा वाला सेगमेंट था जो ग्रो कर रहा था वो आपका था कि स्कूटी वाला सेगमेंट। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, आप देखोगे इस क्वार्टर में ओवर द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर अभी बाइक्स का भी कमबैक हो गया, सो TVS को और फायदा मिला। सो TVS का इसीलिए आप देखोगे दे ग्रू सेल्स आई थिंक 26-27% इन Q3 ओवर Q3, हीरो से भी ज्यादा और इंडस्ट्री से भी ज्यादा। जो कंपनी मुझे बुरा लगता है बहुत, वो है कि आइशर मोटर्स। ठीक है, बिकॉज इनका सेल्स का ग्रोथ है 12%, मतलब क्या, सेक्टर 20% से ग्रो कर रहे हैं और आप 12% से ग्रो कर रहे हो, ये है पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लाइक आइशर मोटर्स पिछले 4-5 साल से आप देखोगे उनका इंडिया में वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, वो तब भी 8.5 लाख बाइक बेचता था 2017 में, और अभी 2023 का भी डेटा देखो तभी भी वो 8.5-9 लाख के आसपास ही बाइक बेचता है। तो आइशर को ये समझ में आ गया कि इंडिया में उतना वॉल्यूम ग्रोथ और आएगा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट मार्केट में, मतलब अगर आप आइशर का पीपीटी खोलोगे ना, एक्सपोर्ट है। ठीक है, और कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट एक्सपोर्ट का ही बात करता है अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन उनका अभी जो डेटा आया Q3 का उसमें आप देखोगे कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी उनका आई थिंक 12-15% का डिग्रोथ हुआ है, 12-15% का डिग्रोथ। मतलब क्या है, जिस पे आप फोकस कर रहे हो वहां भी ग्रोथ नहीं है और इंडिया में भी कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है ना, क्योंकि देखिए आप आइशर को बोल सकते हो इतना बड़ा ब्रांड है, ये है वो है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है ना, ठीक है, तब आपका स्टॉक आपको पैसा नहीं बना के देगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता है किसका ब्रांड है एंड ऑल दैट। आप TVS का स्टॉक को देखो और आइशर का स्टॉक को देखो पिछले 4 साल में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर। क्योंकि मार्केट में चाहिए ग्रोथ, मार्केट में चाहिए मार्केट शेयर कैप्चर होनी चाहिए, मार्केट में ये नहीं चाहिए कि एक बड़ा वाला, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स को मैं देखा हूं कि आइशर लेके ऐसे ही बैठा है, क्यों, इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन क्या फायदा है, आप बुलेट का बुलेट बेच तो रहे हो लेकिन उसका वॉल्यूम सबका बढ़ नहीं रहा, राइट? बट आइशर कंपनी बहुत अच्छी है, सिद्धार्थ लाल, आई रियली लाइक हिम एज अ मैनेजर, अ मैनेजर हु वॉक्स द टॉक, वो खुद ही एक बाइकर है। ठीक है, तो अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनका बात सुन के कॉन कॉल में। बट अगेन हैविंग सेड दैट, अगर मैं ये स्पेस में पूरा बताऊं तो मुझे TVS सबसे अच्छा लगता है। सो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये रहा आपका पूरा। अच्छा, एक और कंपनी का है अतुल ऑटो, मैं मिस कर रहा था। ऑटो का भी वही वाला सीन था कि अगर आप देखोगे हमारे कंट्री में मेजॉरिटी ऑटो कहाँ रहता है, बोलिए रेलवे स्टेशन के साइड में, है ना। तो कोविड के बाद जब ट्रेन बंद हो गया था तो सारे ऑटोज चलना भी बंद हो गया था, है ना। अगर बसेस बंद हो जाता है तो ऑटोज कहाँ रहते हैं, बस स्टेशन के बाजू में, करेक्ट। तो बसेस चलना बंद हो गया तो ऑटोज भी बंद हो गया, है ना। सो बेसिकली क्या सीन है कि जब हमारी इकोनॉमी वापस आया तो ऑफकोर्स आज थ्री व्हीलर का भी बहुत अच्छा बूम आया, गॉट इट। तो जब थ्री व्हीलर का बहुत अच्छा बूम आता है तो इसका मतलब क्या, अतुल ऑटो ने बहुत अच्छा किया। लेकिन उनका भी सेम थिंग है, 2023 में उनको वो ग्रोथ दिख गया, एक हाई बेस बन गया जो प्री कोविड वाला बेस था, राइट, ओवर 21 एंड 22 जो कि कोविड रैवेज्ड ईयर्स था। लेकिन 2024 में ओवर 2023 उतना ग्रो नहीं कर पा रहे। सो कमर्शियल व्हीकल थ्री व्हीलर्स का सेम स्टोरी है, इतना हाई बेस बन गया FY23 में कि FY24 में उनको ग्रो करने में दिक्कतें हो रहा है, राइट। और एस्कॉर्ट्स जैसे कंपनी जिनका आज आप देखोगे ट्रैक्टर्स के बिजनेस में है, उनका तो पूरा इंडस्ट्री का ही डिग्रोथ हो रहा है, और एस्कॉर्ट्स इज ऑल्सो डिग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एट पार विद द इंडस्ट्री। तो वो सबसे बुरे हालत में वो लोग हैं, ठीक है। सो यही बनता है, यही तक रखते हैं। और आई गेस ऑटो इंडस्ट्री में आपको समझ में आ गया क्या है। मंथ ऑन मंथ का जब डेटा आता है वो भी आप ट्रैक करते रहना। लेकिन एक ही वाला मुझे पॉइंट है कि टू व्हीलर स्पेस सबसे अच्छा कर रहा है, लेकिन इस स्पेस से तो ग्रो नहीं कर पाएगा 20-22% से, वरना हमारे जैसे मैंने बताया हमारे नॉमिनल जीडीपी बन होना चाहिए 30%, राइट। क्योंकि टू व्हीलर्स को मेजोरिटी लोग यूज करते हैं हमारे कंट्री में धंधे के लिए, ठीक है। आप देखोगे गाँव वाँव के साइड में जाओगे ना, लेकिन वहां पे जाओगे आप देखोगे कि टू व्हीलर में लोग अपने सामान कैरी करके, पानी का जग कैरी करता है कोई ऐसे अंडे का वो क्रेट कैरी कर रहा है, सब घरों में ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे हीरो का बाइक्स तो है ही उस तरह का, है ना। सो अगर रूरल इकोनॉमी मतलब ग्रो करेगा जिस पेस से आगे जाके उसी रेट से करेगा, तो रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रहा है उसका छोटा सा इंडिकेशन है कि टू व्हीलर अच्छा कर रहा है। बट देन अगेन वी कांट जस्ट कोरिलेट दैट बिकॉज अभी भी बहुत ही एक मिक्स्ड जगह है, इन्फ्लेशन आज भी हाई है। सो हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होगा रूरल इकोनॉमी का, एंड ऑफकोर्स Q4 का नंबर्स आएगा तो वी गेट मोर क्लैरिटी। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच।